क्या वाकई तेज प्रताप यादव अब आरजेडी का हिस्सा नहीं है? सबसे पहले आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी का बयान आता है और उसके बाद आरजेडी ने जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें भी तेज प्रताप यादव का नाम शामिल नहीं है। क्या है ये पूरा मामला? मेरे साथ इस वक्त शिवानंद तिवारी हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आप ही का बयान आया कि तेज प्रताप यादव पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये कैसे? हमको जो भी कहना था कह चुके हैं, इस प्रकरण में हमको एक शब्द नहीं कहना। कुछ तो क्लियर करेंगे कि आपने हमको यहाँ आप क्लियर करने की हमको क्या जरूरत है आपके चैनल पर? क्यों क्लियर करेंगे आपके चैनल? कोई हमें क्यूज तो नहीं है कि क्लियर करेंगे। नेता है आरजेडी, नेता है, इसका क्या मतलब कि हर चीज में एक बार बोल दिया। बंदर का घाव नहीं ना कि रोज उसको छेड़े, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। उसके अलावे कोई बात हो तो आप कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इससे बात नहीं करना चाहते, आप तारापुर और इसके अलावा जो दूसरा कुशेश्वर स्थान, दो विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों की राहें अलग अलग है, लेकिन आपने जहां वहां से जो उम्मीदवार बनाया है वो ऐसा इससे स्पष्ट हो रहा है कि फ्रेंडली मैच है आपके और कांग्रेस के बीच में, जिस उम्मीदवार को आपने घोषणा की वो भी सवर्ण को टिकट। देखिए, सवर्ण अवर्ण की बात नहीं है, दो में से एक सीट पर तो पिछली दफा हम लड़े थे, यहाँ कुशेश्वर स्थान पर हम नहीं लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ तारापुर तो हमारी सीट है ही, कुशेश्वर स्थान भी हम लोग लड़ना चाहते हैं। और ये जानकारी जो है तेजस्वी के द्वारा जो प्रभारी हैं बिहार के कांग्रेस पार्टी के, उनको दे दी गई थी। इसको तेजस्वी ने सार्वजनिक रूप से भी कहा। अब वो लोग अपना उम्मीदवार दे दिए। उम्मीदवार देना भी एक अलग बात है। देखिए, राजनीति के गठबंधन में लंबे अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि एकदम 100% जो है गठबंधन नहीं होता है। दो सीट, चार सीट, पांच सीट पर फ्रेंडली फाइट भी होता है, दोस्ताना संघर्ष भी होता है। अब हमने देखा कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या अध्यक्ष हैं उनका हमने बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है, एनिमी इज एनिमी। अभी एनिमी शब्द का इस्तेमाल किए, उस शब्द का निहितार्थ क्या है पता नहीं, इस बात को समझे कि नहीं। हमको आप एनिमी कैसे कह रहे हैं कांग्रेस का? भाई, आप पिछले चुनाव में 70 सीट पर आप चुनाव लड़े, आपने 30-35 सीट पर भी सभा नहीं की, आपकी वजह से जो है सरकार हमारी नहीं बन पाई, कांग्रेस को जिम्मेदार है। और ये जो है आरजेडी हमेशा जो है कांग्रेस के साथ रही। आप वो जमाना याद कीजिए जब मैंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल को उठाया जाता था। एक एक एक, एक समय में मैंने सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो मैं बाल कटवा लूँगा, वो जमाना था। उस समय लालू यादव ने ये कहा था कि सोनिया गांधी देश की बहू है। तो हमेशा मैंने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जो है कांग्रेस के साथ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक आध चुनाव हम अलग अलग लड़े, तो हमको आप दुश्मन कैसे मान रहे हैं भाई? तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस चुनाव में आपकी लड़ाई, आरजेडी की लड़ाई है किससे, जेडीयू से है या कांग्रेस से? तो यार, कांग्रेस से कहां लड़ाई है हमारी? हमारी उम्मीदवार फिर क्यों उतारा जो है? थी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार से लड़ाई है। उम्मीदवार उतारने का मतलब फिर क्या हुआ? ये सियासी जो घोलमेल है इसको कैसे स्पष्ट किया जाए? कुछ नहीं है, मैं आपको बताया कि पृष्ठभूमि क्या है। हम लोग दोनों सीट पर लड़ना चाहते थे, एक सीट तो है ही हमारी, इस सीट पर हम इसके पहले लड़े हैं, जयप्रकाश यादव की बेटी जो है लड़ी थी, वहां हम नहीं लड़े थे। इस बार हम उसको लड़ना चाहते थे। तो एक सीट आपसे मांग रहे हैं, आपने 70 सीट जो है पिछले दफा लड़ गए, और हम आपसे एक सीट कह रहे हैं कि एक सीट पर हमको लड़ने दीजिए इस बार, उसके बाद आगे देखा जाएगा। बातचीत नहीं मानी आपकी कांग्रेस ने, आरजेडी नहीं मानती तो क्यों खड़ा करती कैंडिडेट? स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, पहला सवाल पर ही आऊंगी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ना तो मीसा भारती का नाम है ना तो तेज प्रताप यादव का नाम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसकी वहाँ जरूरत है मीसा भारती क्या करेंगी जाके? कोई जरूरत नहीं। हमारा ही नाम नहीं है, जगतानंद सिंह का नाम नहीं है, राबड़ी जी का नाम नहीं है, इससे क्या मतलब है भाई? जिसकी जरूरत, 20 ही आदमी को बनाना है स्टार प्रचारक, तो 200 इफेक्टिव रहे सिर्फ नाम लेने के लिए, वो ऑर्नामेंटल ढंग से उसमें नाम दे दिया जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जिनका नाम नहीं है वो सिर्फ ऑर्नामेंटल ढंग के लिए बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, यानी बात को बतंगड़ बना रहे हैं। हमने ऑर्नामेंटल शब्द इस्तेमाल किया दूसरे संदर्भ में,
और आप जो है उसको जोड़ रही हैं कि जिनका नाम नहीं है ऑर्नामेंटल, इफेक्टिव नहीं है आपके कहने का ये मतलब? इफेक्टिव का नहीं सवाल है, इफेक्टिव का क्या सवाल है, 20 आदमी को बनाना था जिसको उचित समझा पार्टी ने कि हाँ भाई एक वहाँ ज्यादा कारगर होंगे, उनको बनाया। अब इसका निहितार्थ नहीं कि जिनका नहीं निकला वो इफेक्टिव नहीं है, जिनका नहीं निकला वो ऑर्नामेंटल नहीं है, ये निगेटिव किस्म की बात है। लेकिन बवाल तो सर तेज प्रताप के नाम से ही हुआ था, अब हम नहीं जानते हैं किसके नाम से हुआ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।